अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आर न्यू चैप्टर इज़ द नीम ट्री। दिस इज़ पोएम एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय मिसेस असा काजी, द जर्मन वाइफ ऑफ अलामा आई आई काजी, द लेट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिन। इन दिस पोएम शी सेज, माय लवली नीम, यानी मेरे प्यारे नीम, दैट इंटरसेप्ट सन स्कॉचिंग बीम, यानी कि इस इंटरसेप्ट कहते हैं कि रोक लेना सन, सूरज, स्कॉचिंग यानी बहुत तेज़ गर्म जलसा देने वाली, बीम कहते हैं रेस या शुआओं को, ठीक है। तो मेरे प्यारे नीम, तो सूरज की जलसा देने वाली किरणों को रोक लेता है, येट बियर्स द हीट ऑल डे, यानी बावजूद ये कि सारा दिन गर्मी बर्दाश्त करता है, बियर कहते हैं बर्दाश्त करना, विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, यानी बगैर बारिश की सुकून बख्शने वाली फुहार के बगैर, यानी जो है बारिश ना भी हो रही हो, बारिश की फुहार उस पर ना भी पड़ रही हो, वो तब भी गर्मी में जो है रहता है और गर्मी को बर्दाश्त करता है। दो चाम्स द वेंडर्स वो अवे विथ सूदिंग शेड, यानी तो किसी मुसाफिर की तकलीफ़ को दूर करता है अपने आरामदेह साए से। वेंडर कहते हैं मुसाफिर, वो कहते हैं उसका गम या तकलीफ़ को, सूदिंग कहते हैं आरामदेह, शेड साए, यानी इसमें ये कह रहे हैं कि जो है नीम ट्री जो है वो सन की जो है बहुत तेज़ झुलसा देने वाली गर्मी को जो है वो बर्दाश्त करता है, और तब भी जो है मुसाफिर गुजर रहे होते हैं इसके पास से, उनको जो है साया फराम करता है और उनकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करता है। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, यानी तुम कितने ताकतवर और बेखौफ हो, अनअफ्रेड बेखौफ, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, हाउ ग्रीन दाई लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी तुम्हारे पत्ते कितने सरसब्ज हैं या ग्रीन हैं, बावजूद ये कि द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल अपॉन द अनप्रोटेक्टेड हेड, यानी दोपहर को झुलसा देने वाले शोले तुम्हारे गैर महफूज सर पर गिरते हैं। फ्लेम्स कहते हैं शोलों को, बर्निंग जलते हुए या झुलसा देने वाले, अनप्रोटेक्टेड यानी गैर महफूज, यानी उसके सर के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, नीम ट्री के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, और डायरेक्ट जो सन की रेज होती हैं वो उसके ऊपर पड़ रही होती हैं। कुड मैन बी बोल्ड एज दो एंड राइज, काश इंसान भी तेरी तरह बहादुर होता और उठता, बोल्ड बहादुर, अबव द अर्थ विद द शेल्टरिंग आर्म, यानी ज़मीन के ऊपर अपने तहफ़ देने वाले बाजुओं के साथ, शेल्टरिंग तहफ़ देने वाले, टू सेव द सफरिंग वंस फ्राम हार्म, यानी ताकि मुसीबत ज़दों को नुकसान से बचा सके, सफरिंग वंस तकलीफ़ ज़दा या मुसीबत ज़दा लोगों को, हार्म यानी नुकसान, फ्राम सोरोज पोवर्टी एंड वाइस, यानी जो है गमों से, गुरबत से और बुराइयों से, सोरो कहते हैं गम, पोवर्टी गुरबत और वाइस बुराइयों, थ्रू सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी देख कर, कुड मैन बी स्टीड फास्ट एंड लाइक दी, यानी काश इंसान भी साबित कदम होता और तेरी तरह, स्टीड फास्ट कहते हैं साबित कदम, फेस एवरी फेट वुड इट नॉट बी, यानी हर तरह की तकदीर का मुकाबला करने के लिए क्या ये नहीं होती, यानी फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ्स लॉफ्टियस्ट ड्रीम, यानी ज़िंदगी के सबसे प्यारे ख्वाब की ताबीर, माई लवली नेम, यानी मेरे प्यारे नेम। इस पूरी पोएम में जो है वो एल्सा काजी ने जो है नीम ट्री को एक ब्रेव और सेक्रीफाइसिंग ट्री के तौर पर जो है वो पेश किया है, यानी एक बहुत बहादुर और कुर्बानी देने वाला ट्री है, यानी कुर्बानी ये किस तरह से दे रहा है कि ये पूरा दिन जो है वो सूरज की गर्मी में झुलसता रहता है, बारिश ना भी हो रही हो और तब भी जो है वो सूरज की गर्मी में झुलस रहा है, लेकिन जो है तब भी वो साया फराहम कर रहा है, तब भी जो है लोगों के काम आ रहा है, कुर्बानी दे रहा है वो इस तरह कि खुद तो झुलस रहा है लेकिन दूसरों को ठंडक पहुँचा रहा है और जो है लोगों को जो है वो बचा रहा है, बिल्कुल रॉक की तरह जो है वो पूरा दिन खड़ा रहता है और अपनी जगह नहीं छोड़ता एक लम्हे के लिए भी, और जो है मतलब
नीम ट्री जो है वो मतलब प्रोवाइड कर रहा है एक बिल्कुल सूदिंग शेड, यानी एक आरामदेह साया जो है वो ट्रैवलर्स के लिए, जो मुसाफिर वहाँ से गुज़र रहे होते हैं उनके लिए जो है एक साया, आरामदेह साया जो है वो फराहम करता है कि वो जो है उसके अंदर जो है वो बैठ सकें, उसके नीचे जो है बैठ सकें, और खुद जो है वो हीट जो है वो बेयर कर रहा होता है। और नीम ट्री जो है वो कभी नहीं थका अपनी सर्विसेज से, मतलब जो ये सर्विसेज ही है ना कि वो दूसरों के लिए आसानियाँ फराहम कर रहा है, तो वो कभी इस काम से नहीं थका जो उसने जो है लोगों को दी, ठीक है। कभी उसने जो है कंफर्ट प्रोवाइड करने का काम नहीं रोका, यानी हमेशा जो है वो लोगों को कंफर्ट दिया है। इस तरह से जो है मतलब वो नीम ट्री को जो है पोइटिस जो है वो एक सेक्रीफाइस की एग्जांपल के तौर पर जो है इसमें पेश कर रही हैं कि बग़ैर किसी गर्ज के और बहादुरी के साथ जो है वो नीम ट्री जो है वो कुर्बानी देता है। तो पोइटिस इसमें ये कहना चाह रही हैं कि काश जो है वो इंसान भी इसी तरह नीम ट्री की तरह जो है वो सेक्रीफाइसिंग होता, केयरिंग होता लोगों के लिए, इंसानों के लिए, कि वो भी कुर्बानी दे रहा होता दूसरों के लिए और जो है केयर कर रहा होता और बग़ैर किसी गर्ज के जो है वो दूसरों की मदद कर रहा हो। काश ऐसा हो जाए कि इंसान भी जो है वो नीम ट्री की तरह जो है वो दूसरों की मदद करे बग़ैर किसी गर्ज के और बहादुरी के साथ जो है वो लोगों के काम आए। और यही जो है वो ड्रीम है एक अच्छा, कि इंसानियत की खिदमत की जाए। और यही जो है वो मतलब एक हाईएस्ट एम होता है लाइफ में कि जो है इंसानियत की हम किस तरह खिदमत करें, और यही कुर्बानी है, मतलब कि आप जो है अपने आप को ना देखें आप, बल्कि दूसरों की तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें।